हेलो एवरीवन। तो फ्रेंड्स, इससे पहले कि मैं आपको ये बताऊं कि आज मैं क्या बनाने वाली हूं, इससे पहले मैं आपको कुछ दिखाना चाहती हूं। लुक एट दिस प्लेट गाइस, इसको देख के ना मेरा मन बाग बाग हो गया। ऐसा लगता है कोई रेनबो मेरे सामने है। तो फ्रेंड्स, आज मैं बनाने वाली हूँ मिलेट्स। ऑलरेडी मैं आपके साथ कई बार इसकी रेसिपी शेयर कर चुकी हूँ, तो आज मैंने सोचा कुछ अलग से बनाते हैं, कुछ वेजिटेबल्स को एक्स्ट्रा ऐड करते हैं। तो फ्रेंड्स, सबसे पहले मैंने यहाँ पर पैन लिया है, इसमें मैंने एक 1 स्पून घी लिया है, देसी गाय का घी, और उसमें मैंने डाला है जीरा, हरी मिर्च, अदरक, थोड़ा सा करी पत्ता। करी पत्ता ऑप्शनल है, मैं मोस्टली हर वेजिटेबल्स में ऐड करती हूँ उसको, मुझे इसकी फ्रेगनेंस बहुत अच्छी लगती है। और यहाँ पर जितनी भी सारी वेजिटेबल्स हैं, कलरफुल वेजिटेबल्स हैं, मैंने इसमें ऐड किया है। आपको भी वेजिटेबल इसमें ऐड कर सकते हैं, इवन मशरूम और ब्रोकली को भी ऐड कीजिए, बहुत फाइबर और प्रोटीन होता है इसमें, तो मैंने अभी ऐड नहीं किया है। तो ये देख सकते हैं वेजिटेबल्स सॉटे हो रही हैं, इनको ज़्यादा आपने नहीं ओवर कुक नहीं करना है। हल्का सा स्पाइसेस ऐड कीजिए, नमक, भुना हुआ जीरा, काली मिर्च, जो जो भी आप डालना चाहते हैं, और इन्हें अच्छे से कुक कीजिए। और 2 मिनट के लिए आप इन्हें ढक कर रख सकते हैं ताकि ये थोड़ा सा सॉटे हो जाए, स्टीम हो जाए। और इसके बाद आप देख सकते हैं ये ऑलरेडी बन चुकी है, वेजिटेबल सॉटे हो चुकी हैं। तो अब नॉर्मली आपको क्या करना है, इसमें आपको अपने बॉयल मिलेट्स ऐड करने हैं। तो फ्रेंड्स, हार्डली इट टेक्स 5 to 10 मिनट्स। अगर आपको लगता है कि अपने लिए कुछ करना बहुत मुश्किल है, आप ऐसा मत सोचिए। और लेकिन मैं आपको दिखाती हूँ ये कैसे दिख रहा है। तो ये देखिए, कोई कहेगा कि ये कोई डाइट फूड है, दिस इज़ जस्ट लाइक अ पुलाव, जैसे आप वेजिटेबल पुलाव खाते हैं, एंड बिलीव मी टेस्ट भी बिल्कुल उसका वैसा ही आता है। और मार्केट में बहुत सारा के मिलेट्स हैं, लोग पूछते हैं गुंजन तुम वीडियो डालती हो लेकिन कौन सा हम यूज़ करते हो, यहाँ पर मैं बार्नयार्ड मिलेट्स यूज़ कर रही हूँ। आप कोई भी ले सकते हैं, बहुत सारे मिलेट्स आते हैं, फॉक्सटेल, फिंगर, पर्ल, लिटल, तो आप कोई भी यूज़ कर सकते हैं। बाय।